मुराद है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज हमारे टॉपिक है कश्मीर के हवाले से। कश्मीर पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का शेर है। हिंदुस्तान ने जबरन वहाँ पर कब्ज़ा किया हुआ है। कश्मीर जो है वहाँ पर बहुत जुल्म हो रहा है। कश्मीर के लोग फरियाद करते हैं मगर किसको आवाज़ पहुँचे। यूनाइटेड नेशन के लोग तो बस कानों में हाथ डाल के बैठे हुए हैं, कोई भी उनकी पुरसन हाल नहीं। आज हम कहते हैं कि हम वायरस से दो चार हैं, दो चार नहीं होंगे तो क्या होंगे। कश्मीर को देखिए, कश्मीर में जुल्म हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। अल्लाह ताला ऐसे अजाब तमाम लोगों को लाकर फंसाया हुआ है। आज देखिए कोविड-19 जैसे वायरस पूरी दुनिया में फैल चुकी है, जिसका ना कोई वैक्सीन है ना कोई दवा है। लोग मर रहे हैं और क्या करें। कोविड से पहले कश्मीर की हालत देखें, जहाँ पर हमारे माएँ बहनें भाई दोस्त हमारे सारे के सारे आवाम कश्मीर के आवाम वहाँ पर खून के आंसू रो रहे थे, तो लोग कहाँ थे। लोग मजाक बना रहे थे, बस हिंदुस्तान का साथ दे रहे थे। सिर्फ पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने हर फोरम पर हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ कश्मीर का नाम लिया, कश्मीर को उजागर करने की कोशिश की, कश्मीर के लोगों का साथ दिया। वहाँ पर जुल्म हो रहा है, उनको पूरे दुनिया के सामने रखा, मगर क्या हुआ, बस वही के वही। तो हमें चाहिए कि हर प्लेटफॉर्म पर कश्मीर का आवाज़ उठाए और कश्मीर के लोगों का साथ दें, तो इंशाल्लाह हमारे आवाज़ कभी तभी नहीं जाएगी। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ मेरे आवाज़ मैं खुद कश्मीर के लोगों के साथ हूँ, उनके शाना पशाना खड़ा हूँ और आप भी उनके शाना पशाना खड़ा हो जाए, तो इंशाल्लाह कश्मीर से ये फैसला ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आज के मेरे ये टॉपिक आपको कैसे लगे। अपने कीमती राय से हमें आगाह करें, तो हमें हमारे यूट्यूब चैनल फहीम मुराद को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और कमेंट में हमें बताएं अपने राय से। तो हम एक और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक अल्लाह।